हेलो फ्रेंड्स, एनाटॉमी ऑनलाइन में मैं डॉक्टर परमानंद अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करिए एनाटॉमी ऑनलाइन पे, और आप हमसे फेसबुक पेज एनाटॉमी ऑनलाइन पे भी जुड़ सकते हैं। अब हम देखेंगे, आज हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर के बारे में। अगर आप एमसीआई के हिसाब से नीट का सिलेबस देखें तो उसके लिए आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी जो पार्ट है उसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ना पड़ेगा। उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इन सबको आपको देखना है। फिर रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इज़ इम्पोर्टेंट, एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स, पेरिस्टेल्सिस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ये भी आपको देखना है। आपको कैलोरी वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, इसके बारे में भी आइडिया चाहिए। इजेशन क्या होता है ये भी जानना है, और डिसऑर्डर्स, ये सिस्टम से रिलेटेड जितने डिसऑर्डर्स हैं इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। इन सब को पढ़ने के लिए हमने अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाया है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बनावट कैसी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में हमें ये चीज़, उसका जो फंक्शन है इस ट्रैक्ट का, इस सिस्टम का, उसे हम समझेंगे इसमें। एंड डाइजेशन होने के बाद उस फूड का, उसे तोड़ने के बाद हम क्या देखेंगे, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, वो हमारे शरीर में कैसे एब्जॉर्ब होगा, एंड लास्टली उसका डिसऑर्डर। तो हमने इसे चार भागों में डिवाइड किया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें तो दिस इज व्हाट इज माउथ स्टार्टिंग पॉइंट, देन द फूड बॉलस विल गो टू दिस फेरिंग्स, देन इसोफेगस, देन स्टमक, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड अल्टीमेटली इट विल कम आउट थ्रू दिस एनस। एंड इन बिटवीन दिस इज व्हाट इज अबाउट द ट्रैक्ट दैट वी आर सीइंग। और यहाँ आपको साथ में जो दिखाई दे रहा है वो है कुछ ग्लैंड्स, जैसे कि सेलेबरी ग्लैंड, लीवर एंड गॉल ब्लैडर अलोंग विथ पैनक्रियास। सो दिस आर द फोर मेन स्ट्रक्चर दैट इज सीन एज ग्लैंड्स हियर। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम, दो वर्ड्स हैं यहाँ पे दोस्त। यहाँ देखिए, एक डाइजेस्टिव, दूसरा है सिस्टम। अब डाइजेस्टिव क्या होता है? डाइजेस्टिव वर्ड का मतलब होता है तोड़ना, लाइक इन डिवीजन, तोड़ के इसे यूजफुल कंपाउंड बनाना को हम डाइजेशन बोलते हैं। और सिस्टम इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स टू वर्क टुगेदर इन ए पर्टिकुलर वे, ये सिस्टम है। अब ये दो तरीकों का बना हुआ है, उसके लिए क्या और वर्ड यूज़ किए जाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री वर्ड यूज़ किया जाता है। एलिमेंट का मतलब होता है फूड। दूसरा जो वर्ड हम पढ़ते हैं इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब क्या है? गैस्ट्रो इज स्टमक, इंटेस्टाइन इज आंतड़ी, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब हम देखेंगे ये दो तरीके के हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल है और एक ग्लैंड्स के बारे में। फिर हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल एंड सिस्टम के बाद आपको दिखाई देता है इस एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें आती है। एलिमेंट्री कैनाल में अगर आप देखें तो आपको मिलेगा माउथ, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में टीथ एंड गम एक साथ आएंगे, देन फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में अगर आप देखें तो इट इज़ तीन सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में बोला जाता है, फिर लीवर एंड पैनक्रियास। अब तीन सलेवरी ग्लैंड्स कौन से हैं? इट इज़ पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। सो दिस इज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम एज ए होल। हमने ये डायग्राम देखा, अब हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में। ओरल कैविटी अगर आप देखें, या माउथ जो हम स्टार्टिंग पॉइंट, आप अगर लिप्स से स्टार्ट करते हैं तो ये आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये है लिप्स, आउटर लिप। देन अंदर लिप्स और टीथ एंड गम के बीच का जो स्पेस है उसे हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं।
टीथ के पीछे जो कैविटी है उस कैविटी को हम ओरल कैविटी बोलते हैं या उसे बकल कैविटी भी कहा जाता है। अगर आप इस बकल कैविटी के बाउंड्रीज देखें तो उसमें बाउंड्रीज क्या है, ऊपर की ओर जिसे हम रूफ कहते हैं वहाँ आपको पैलेट मिलता है जो कि इसे इस ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से सेपरेट आउट करता है। एंड लोअर डाउन अगर आप नीचे की ओर देखें तो यहाँ आपको फ्लोर में टंग, म्यूकोसा एंड मसल्स मिलते हैं। अब इसका अंदर का कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर्स जो इसमें काम किए हैं, एक टीथ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर में आता है, एक टंग इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स में आते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे टीथ के बारे में। टीथ के लिए दूसरे जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं इज डेंटेड, डेंटेड वर्ड यूज़ किया जाता है टीथ के लिए। देन ओडोंट वर्ड जो है ये भी टीथ के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी हमें देखना है कि जो कॉमन वर्ड्स जो कि ह्यूमन डेंटिशन के साथ जुड़ा हुआ है उसे हम समझेंगे। फर्स्ट वर्ड इज थिकोडोंट। अब आप थिकोडोंट को देखें तो थिकोडोंट वर्ड का मतलब होता है कि जो टूथ है इट इज प्रेजेंट इन द सॉकेट ऑफ द जो मैंडिबल जो है उसमें दांत लगा हुआ रहता है उसे हम बोलते हैं थिकोडोंट। कुछ एनिमल्स में ऐसा नहीं मिलता। दूसरा वर्ड इज डायफोडोंट। डायफोडोंट अगर आप देखें तो उसमें मतलब है दो भार दांतों का आना, दो सेट ऑफ दांत आते हैं, एक को हम बोलते हैं टेम्परेरी टीथ ऑल्सो नोन एज डेसिडुअस टीथ, उसे रिप्लेस करता है परमानेंट टीथ और द एडल्ट टीथ। इन केस ऑफ एडल्ट ह्यूमन बींग हाउ मेनी टीथ आर देयर, अप्रॉक्सीमेटली देयर इज 32, दैट इज द मैक्सिमम नंबर। जो 32 है इसे आप ऊपर 16, नीचे की ओर 16, दैट इज 16 एंड 16 ऑन ईच साइड, ये 8 टीथ रहते हैं। क्या वो एक जैसे रहते हैं? जी नहीं, वो अलग अलग प्रकार के टीथ रहते हैं। अब उसी लिए इसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है वो है हेट्रोडोंट डेंटिशन। अब वो उनका नाम क्या है जो अलग अलग हैं आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ आप अगर देखें तो आपको अलग अलग प्रकार के टीथ दिखाए गए हैं, इंसाइजर टीथ, कैनाइन टीथ, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। दीज आर द 4 डिफरेंट वैरायटी ऑफ टीथ दैट आर अवेलेबल टू ह्यूमन बींग। अब इसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक डेंटल फॉर्मूला दिखाया जाता है, दैट इज 2 1 2 3। 2 इज इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 इज मोलर्स। तो क्या एडल्ट ह्यूमन बींग और चिल्ड्रेन में भी सेम रहता है? जी नहीं, हमने जैसे देखा कि चिल्ड्रेन में डेसिडुअस टीथ रहता है उसमें टोटल नंबर इज 20। अब उस 20 का फर्दर डिवीजन क्या है, इट इज 2 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, 0 इज प्रीमोलर्स एंड अगेन 2 इज मोलर्स। तो 2 1 0 2, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच हाफ ऑफ द अपर साइड और द लोअर साइड। सो दिस 5 5 into 4 विल बी 20। अब खाना ओरल कैविटी से होता हुआ फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स जो है ये कॉमन पाथवे है फॉर द एयर एंड फूड। फेरिंग्स 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। नोज के पीछे वाला जो फेरिंग्स होता है उसे हम नेजो फेरिंग्स कहते हैं, ओरल कैविटी के पीछे जो है उसे हम ओरो फेरिंग्स कहते हैं, एंड जो लैरिंग्स के पीछे है उसे हम लैरिंगो फेरिंग्स कहते हैं। अब फेरिंग से होता हुआ फूड कहाँ जाएगा, इसोफेगस में। इसोफेगस फूड के लिए एक पाथवे का काम करता है। वहाँ फूड ज़्यादा देर नहीं रहता, अप्रोक्सीमेटली इट इज 6 सेकेंड जिसके लिए फूड वहाँ रहता है। अब इसोफेगस से होता हुआ फूड कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक का ये आर्किटेक्चर आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, कैसा वो फॉर्म है। उसमें 2 एंड्स होते हैं, एक एंड को हम कार्डियक एंड कहते हैं, दूसरे को हम पाइलोरिक एंड कहते हैं। कार्डियक एंड उसी लिए कहा जाता है क्योंकि उस साइड में कार्डियक दैट इज हार्ट होता है, और पाइलोरिक क्योंकि वहाँ पे पाइलोरिक पार्ट कहा गया है उसे। अब इसे हमने 3 भागों में डिवाइड किया। कार्डियक एंड के पास अगर आप देखें तो वहाँ पे से एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाता है, और वो जो भी उससे ऊपर वाला पार्ट है उसे हम फंडस कहते हैं, और उससे जो नीचे है उसे हम बॉडी ऑफ स्टमक कहते हैं।
अगर आप देखें जहाँ पे पाइलोरिक पार्ट है, वो पाइलोरिक पार्ट के पास में एक इंसिसुरा एंगुलरिस नाम का डिप्रेशन है, इंसिसुरा एंगुलरिस नाम का डिप्रेशन है, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया जाता है जो कि बॉडी ऑफ स्टमक एंड पाइलोरिक पार्ट को डिवाइड करता है। स्टमक में दो कर्वेचर्स भी होते हैं, एक को हम लेसर कर्वेचर कहते हैं और दूसरे को हम ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। अब स्टमक का कैपेसिटी कितना है, अगर आप देखें तो न्यूबॉर्न में कैपेसिटी इज अराउंड 30 ml। व्हाट इज अबाउट इन प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में इट इज 1000 ml, दैट इज ऑलमोस्ट 1 liter के बराबर है। एंड इन केस ऑफ एडल्ट इट इज 1500, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट इफ द पर्सन इज ईटिंग मोर सो ऑब्वियसली दिस वॉल्यूम विल इंक्रीज, ये बढ़ेगा और ये 2-2.5 liter तक भी हो सकता है। अब हम देखेंगे जो प्रॉपर, जितना भी आप अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में बात करें तो वहाँ कैसा अरेंजमेंट रहता है, जो लेयर्स है। तो सबसे अंदर वाला जो लेयर रहता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में वो है म्यूकोसल लेयर। म्यूकोसल लेयर से बाहर क्या रहेगा, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा से बाहर मस्कुलरिस एक्सटर्ना, एंड उससे भी बाहर रहता है सेरोसा। तो ये 4 लेयर्स में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का वॉल का अरेंजमेंट है। ये पहले ल्यूमेन, ल्यूमेन से बाहर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, एंड द आउटसाइड इज व्हाट इज नोन एज सेरोसा। अब म्यूकोसा में क्या मिलता है, म्यूकोसा इज स्मूथ एंड सॉफ्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्टेड फेज में रहता है तो वहाँ पे फोल्ड्स रहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, रुगे। अब इपिथेलियम कैसा है, वो सिंपल कलमनर इपिथेलियम होता है स्टमक में, और जो कि अलग है, किससे अलग है, इसोफेगस से। इसोफेगस में जो लोअर एंड रहता है आप देखें तो वहाँ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम रहता है, और स्टमक में क्या है, सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम जो कि म्यूकस सिक्रेटिंग रहता है। अब वो म्यूकस सिक्रेट करता है, इसी के साथ में वहाँ जो इपिथेलियम का जो नीचे की ओर डाउनवर्ड अगर आप देखें सब म्यूकोसा की तरफ जो बेंडिंग रहता है, वहाँ ग्लैंड्स फॉर्म होते हैं। इन ग्लैंड्स में 5 तरीके के सेल्स मिलते हैं, इसे चीफ सेल कहते हैं, पैराइटल सेल, म्यूकस नेक सेल, स्टेम सेल एंड एंडोक्राइन सेल्स। ये सेल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से सेल्स हमने बताया, चीफ सेल, पैराइटल सेल, म्यूकस नेक सेल, स्टेम सेल एंड न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। अब हम यहाँ पे बस न्यूरो एंडोक्राइन का देखते हैं, उसके अंदर जी सेल्स रहते हैं, डी सेल्स रहते हैं, ECL सेल्स रहते हैं, और ये सिक्रेट करते हैं कुछ, जैसे जी सेल सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिन, डी सेल सिक्रेट करते हैं सोमाटोस्टेटिन, एंड ECL सिक्रेट करते हैं हिस्टामिन। सब अभी म्यूकोसा देखा हमने, इसके बाद आता है सब म्यूकोसा। आप अगर सब म्यूकोसा में देखें तो उसमें वो कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ है, उसमें इलास्टिन फाइबर्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं और नर्वस प्लेक्सस हैं। नर्वस प्लेक्सस में यहाँ पर हमको समझना है मेजिनस प्लेक्सस जो होता है, मेजिनस प्लेक्सस वो हमें वहाँ दिखता है। अब उस सब म्यूकोसा से बाहर क्या रहेगा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना में नाम ही बता रहा है, इट इज मस्कुलरिस। अब मस्कुलरिस में ऑब्लिक मसल्स रहेंगे, सर्कुलर मसल रहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल रहेंगे। ये अंदर से बाहर की ओर का अरेंजमेंट है, सबसे अंदर ऑब्लिक और सबसे बाहर लॉन्गिट्यूडनल। अब इनका काम क्या है, ये जर्नी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ये जितने भी फूड पार्टिकल आए उसे जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है उसके साथ मैच करने के लिए वो हेल्प करेगा। अब सबसे बाहर में जो लेयर है उसे क्या बोलते हैं हम, सेरोसा, और तो पेरिटोनियल लेयर। अब हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। इस डायग्राम पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड ईलियम। ड्यूडेनम पाइलोरिक पार्ट से अटैच पार्ट को हम ड्यूडेनम कहते हैं, वो लगभग सी सेप्ट का एक ऑर्गन है। उसके बाद जेजेनम जो है वो है आपके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड और अपर साइड में जेजेनम मिलता है। एंड उसके बाद ईलियम है, ईलियम के पास से ईलियम कंटिन्यू करता है सिकम से, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू सिकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड, रेक्टम एंड अल्टीमेटली इट विल ओपन अप इनटू
एनल ओपनिंग। तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। आप इस डायग्राम में एक बार देखेंगे आप, ये सिकम वाला पार्ट है जो कि ईलियम से कंटिन्यू करता है। इस जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इलियोसिकल जंक्शन। इसी सिकम से जो अटैच नीचे की ओर जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसे अभी मैंने मार्क किया, दैट इज़ व्हाट इज़ अपेंडिक्स। ऊपर जो जा रहा है सिकम से, दिस इज असेंडिंग कोलोन। फिर ट्रांसवर्सली जो प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन। नीचे की ओर जो है दिस इज डिसेंडिंग कोलोन। टर्न आपको सिग्मा शेप जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज़ व्हाट इज सिग्मोइड। एंड स्ट्रेट वन इज ऑल्सो नोन एज रेक्टम, इज रेक्टस रेक्टम वर्ड। एंड ओपनिंग फर्दर इज एनल ओपनिंग। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।